हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू प्रो 3D एकेडमी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है 3D मैक्स सीरीज़ का। होप आपने फर्स्ट लेक्चर प्रॉपर देखा होगा, तो उससे हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अभी जैसे आपने देखा, ये हमारा 3D मैक्स का यूज़र इंटरफेस है। तो हम अभी पर्सपेक्टिव व्यू को सिलेक्ट करके अल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो हमारा ये स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो राइट साइड में, यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है। तो अब यहाँ पे एक छोटा होम साइन है। तो मतलब आप इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आप यहाँ पे कोई भी ड्राइंग कर रहे हो और आप फिर से आपको सेंटर में आना है, तो जस्ट वन क्लिक, यहाँ पे एक होम साइन है, आप क्लिक करके डायरेक्टली आप सेंटर में आ सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आपको जैसे हमारे नॉर्मल ऑप्शंस रहते हैं, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फाइल है, फाइल के अंदर न्यू रिसेट, ओपन, ओपन रिसेंट, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये काफ़ी सारे ऑप्शंस है। एडिट है, यहाँ पे टूल्स है, ग्रुप है, व्यूज़ है। आप अभी देख रहे हो कि ये काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बट इसमें से मोर देन 75% हमको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। ओके, तो आप ऑप्शन देख के कुछ ऐसा डर मत जाना कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, इतने कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, जितने हमको यूज़ है उतने ही ऑप्शंस हम देखने वाले हैं। अदरवाइज एनिमेशन वगैरह, सी मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3D Max का एनिमेशन, अगर आप कोई भी क्लास कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी क्लास करने का सोच रहे हो, अगर वो क्लास वाला आपको बोलता है कि 3D Max का हम आपको वॉक थ्रू सिखाएंगे, एनिमेशन सिखाएंगे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एनिमेशन के ये झंझट में मत पड़ना, क्योंकि आपका लैपटॉप या आपका कोई भी आपका डेस्कटॉप वो एनिमेशन 3D Max का नहीं कर सकता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक आप एक सिंपल चीज़ समझ लेना, आपको सपोज एक कोई भी आपको ये रेंडर आपको दिख रहा है, सपोज ये इंटीरियर का व्यू दिख रहा है। इस व्यू को रेंडर होने के लिए, मतलब एक व्यू को बनने के लिए 3D Max का जो टाइम होता है, अगर आप कम से कम एक 5 मिनट्स भी पकड़ लें, इतना कम में नहीं होता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है, ये कभी कभी आधा घंटा भी एक व्यू को लग जाता है। तो आप समझ लेना कि एक व्यू को रेंडर होने में, एक फ्रेम को, ये एक फ्रेम हो गया, एक फोटो हो गया, एक फोटो को रेंडर होने में अगर 5 मिनट लगते हैं, तो वॉक थ्रू जब भी होता है, समझो आपने 1 मिनट का वॉक थ्रू बनाना है, तो 1 सेकेंड का वॉक थ्रू बनने के लिए इस रेंडर के जैसे आपको 25 फ्रेम्स रेंडर करने पड़ते हैं। तो आप समझ लेना कि 1 सेकेंड के लिए 25 रेंडर्स, 25 रेंडर आपको जब भी निकलेंगे तो वो आपका 1 सेकेंड का वॉक थ्रू बनता है। तो आप सिंपल अगर कैलकुलेट करते हो तो एक 25 रेंडर के लिए, मतलब 25 रेंडर होने के लिए 5 मिनट भी अगर एक रेंडर को पकड़ते हैं तो 25 × 5 तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का मतलब रेंडर टाइम आपको लगता है 1 सेकेंड का वॉक थ्रू एनिमेशन बनाने के लिए। अगर आपका 1 मिनट है तो 2 घंटा × 60 तो ऑलमोस्ट 120 घंटा हो गया आपका, मतलब रेंडर टाइम बोल रहा हूँ मैं। तो ये मतलब एकदम चीज़ हमारे पीसी के लेवल से बाहर है 3D Max का। हम अगर हम आपका लैपटॉप या घर का डेस्कटॉप आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपका वो पीसी उस लेवल का नहीं है तो आप इसके झंझट में मत पड़ना। उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज़ लुमियन। सो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे हमारा ये कोर्स, मतलब ये लेक्चर्स आगे जाएंगे, हम उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसके ऊपर मैं अगर कर्सर लेके जा रहा हूँ वो मुझे बता रहा है, अंडू, रीडू, सिलेक्ट एंड लिंक, देन यहाँ पे सिलेक्शन फिल्टर, ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हम अभी एक 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 जैसे आगे जाएंगे आपको मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो और ये राइट साइड में दिख रहा है आपको, ये कमांड पैनल है पूरा। ओके, तो इस ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है 3D Max में ये चीज़। तो यहाँ से ही हम सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं 3D Max में काम करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले जो दिख रहा है क्रिएट पैनल में, जो सेकंड है यहाँ पे ज्योमेट्री है, एंड देन उसके ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे कमांड पैनल में यहाँ पे स्टैंडर्ड, काफ़ी सारे ऑप्शंस है हम आगे जाके देखेंगे। तो इसमें से फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में ये जो है वो है काफ़ी सारे जो बेसिक ऑप्शंस। यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ,
मेरे सेंटर पॉइंट पे आता हूँ, यहाँ पे जस्ट फर्स्ट क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, मैंने अभी तक क्लिक छोड़ा नहीं है, एंड जैसे मैं क्लिक रिलीज कर रहा हूँ वो मुझे हाइट पूछ रहा है, तो मैं इसको फिर से हाइट देके फिर से क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटोकैड में जैसे दो वन एंड टू पॉइंट देना होता है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी देना होता है। तो मैं अगेन इसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करके रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये पर्सपेक्टिव है। इसका क्या मतलब है, सपोज मैं अभी जैसे टीपॉट यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है, तो ये मुझे ये जो टीपॉट दिख रहा है ये मुझे पर्सपेक्टिव व्यू में दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं कैसे 3D Max का यूज़ करना है, यूज़र मतलब कीबोर्ड और माउस का क्या रोल है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो जैसे मैं ये जो एरो दिख रहा है वो माउस से मूव हो रहा है, मैं माउस का अगर मिडल जो स्क्रोल है मैं उसको अगर आगे पीछे करता हूँ, स्क्रोल करता हूँ, तो ये जूम इन जूम आउट होता है। जहाँ पे भी मेरा माउस का कर्सर है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा बॉक्स बना देता हूँ और मेरा माउस का कर्सर मैं ये बॉक्स पे रखता हूँ एंड देन स्क्रोल करता हूँ, तो ये जहाँ पे भी मेरा कर्सर है वो जूम इन हो जाएगा या जूम आउट हो जाएगा। अगेन मैं वही कर्सर मेरा ये टीपॉट के ऊपर रखता हूँ एंड देन जूम इन करता हूँ। ठीक है, तो ये स्क्रोल का रोल हो गया जूम इन जूम आउट के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 3D Max कर रहे हैं तो ऐसा माउस लेना कि जिसका स्क्रोल प्रॉपर हो। सेकेंड पॉइंट, अब वही स्क्रोल को अगर मैं प्रेस करता हूँ, मतलब प्रेस करके होल्ड करता हूँ, तो मेरा ये स्क्रीन लॉक हो जाता है और मैं उसको पैन कर सकता हूँ। सी, हाथ का साइन आ रहा है, ये पैन कर सकता हूँ। ठीक है, ये स्क्रोल के दो काम हो गए, एक तो जूम इन जूम आउट एंड देन पैन। देन थर्ड ऑप्शन, अगर मैं वही पैन करते हुए अगर मैं कीबोर्ड का अल्ट प्रेस करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा कि वो ये देखो अल्ट प्रेस करता हूँ तो वो स्क्रीन लॉक हो जाता है यहाँ पे, मतलब मैं उसी चीज को पैन करते हुए 360 देख सकता हूँ। ओके, तो ये अल्ट हमेशा हमको प्रेस करके काम करना होता है। ठीक है, तो ये अल्ट का ये काम हो गया, तो स्क्रोल से जूम इन जूम आउट, उसी स्क्रोल से पैन एंड अल्ट में प्रेस करता हूँ तो पूरा उसको मैं 360 किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। ठीक है, देन कुछ शॉर्टकट से वो आप लिख लेना चाहिए। तो अगर मुझे इसका टॉप व्यू देखना है तो मुझे वो अल्ट डब्ल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, अगेन मुझे इस टॉप व्यू में जाके फिर से टॉप देखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी व्यू में हो, जस्ट आपको प्रेस करना है टी। तो जैसे मैं टी प्रेस करता हूँ तो मुझे इसी टी पॉट का टॉप व्यू दिख रहा है, बट जैसे कि आप देख रहे हो ये पूरा लाइन्स लाइन्स दिख रहा है, सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप ऊपर देखोगे यहाँ पे वायर फ्रेम आ रहा है, तो ये वायर फ्रेम में दिख रहा है। उसी को मैं अगर क्लिक करता हूँ, उसके नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं वायर फ्रेम के नीचे। यहाँ पे मैं अगर डिफॉल्ट शेडिंग करता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे फिर से दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन मैं फेसेट्स करता हूँ तो उसके फेसेट्स दिख जाएंगे। बाई डिफॉल्ट हमें डिफॉल्ट शेडिंग रख के छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम हैं टॉप व्यू में। अगेन मैं एल प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट व्यू में आ जाता हूँ ये। ओके, और एफ प्रेस करता हूँ तो मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। एग्जैक्टली मैं अभी फ्रंट व्यू में हूँ। तो कोई भी आप ड्राइंग ड्राफ्ट करते हो, मतलब बनाते हो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेते हो 3D Max में, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है एक डार्क लाइन दिख रहा है यहाँ से गया हुआ। ये एक्स एक्सिस है एंड ये जो वर्टिकल गया है ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको एक्स एंड जेड, ये जो है ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर सिलेक्ट करते हो क्लिक करके, तो यहाँ पे तीन एरो आपको दिखते हैं, यहाँ पे एक्स, ये वाई एंड ये जेड। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट 3D है, ये 3D है। ओके, तो देखो ये एरो का यूज क्या होता है, अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये ऑब्जेक्ट को क्लिक करके एक्स जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर जाके क्लिक एंड होल्ड करना है एंड देन मुझे ये एक्स एक्सिस पे मैं इसको मूव कर सकता हूँ।
ठीक है, उसी तरीके से मैं वाई पे अगर क्लिक करता हूँ तो वाई पे मूव कर सकता हूँ, एंड जेड एक्सिस पे क्लिक करूँगा तो मैं जेड एक्सिस पे मूव कर सकता हूँ। तो इसमें आपको एक पता चलेगा कि मुझे कोई भी दूसरा बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे मैं एक्स के पास लेके जाऊँगा, ये येल्लो हो रहा है, इसका साइन येल्लो हो रहा है, ठीक है, तो येल्लो एक्टिव हो रहा है। तो मैं अगर एक्स पे, अगर मेरा येल्लो एक्स एक्टिव है, अगर मैं चाहूँ भी तो मैं उसको जेड पे मूव नहीं कर सकता क्योंकि जेड एक्टिव नहीं है। उसी तरीके से मैं अगर वाई पे ही करना है मुझे, तो मैं वाई एक्टिव करूँगा एंड वाई पे मूव करूँगा। अभी मैं एक्स पे करना चाहूँगा तो नहीं होगा, वो वाई पे एक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव या अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये फिर से, और किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ओरी एक वैल्यू होता है उसका पोजीशन का। तो x, y एंड z, इसका इस ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू है आपको यहाँ पे पता चलेगा। ये x वैल्यू है 0.41, y वैल्यू है 0.927। तो जैसे मैं उसको y पे मूव करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे y वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर मैं x पे मूव करता हूँ तो x वैल्यू चेंज हो रहा है, एंड मैं अगर z पे मूव करता हूँ तो z वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। आपको अगर पर्टिकुलर साइज में चाहिए उसका ओरिजिन, तो आप यहाँ डायरेक्टली आप वैल्यू दे सकते हो। सपोज मुझे 2 इंचेस पे चाहिए तो ये दे सकता हूँ, और मुझे ग्राउंड से सपोज मुझे 5 इंच पे चाहिए तो मैं 5 करके क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे, मैं फिर से उसको 0 कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये बेसिक ऑब्जेक्ट मूवमेंट जो होता है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे, इस तरीके से होता है। तो इसमें जो भी सबसे इम्पोर्टेंट जो भी वैल्यू है, तो आपको कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको यूनिट सेटअप करना होता है, जो कि कस्टमाइज में जाके यहाँ पे यूनिट सेटअप होता है। तो यूनिट सेटअप पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस है यूनिट्स के। तो यहाँ पे देखो दो स्केल है, एक तो मेट्रिक है, मेट्रिक के अंदर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स। तो हमें जो मोस्टली इंटीरियर में यूज आने वाले हैं, दैट इज मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स समटाइम्स, तो जनरली मिलीमीटर्स में ही काम करते हैं, तो हम मिलीमीटर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इवेंट एंड एग्जीबिशन फील्ड में हैं तो आपको फीट इंचेस में काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड करके यूनिट है, आप यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिट्स है, फ्रैक्शनल इंचेस, डेसिमल इंचेस, फ्रैक्शनल फीट, डेसिमल फीट। तो ये आपको जैसे हम आगे काम करेंगे मैं आपको बताऊंगा क्या सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे मेट्रिक या मिलीमीटर सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, कोई भी सपोज एक्स पे मुझे, अभी मैं इसको सब कुछ 0 0 कर देता हूँ, राइट क्लिक यहाँ पे करता हूँ तो वो 0 हो जाएगा। तो अभी ये ऑब्जेक्ट है वो एक्स 0, वाई 0 एंड जेड 0 इस पोजीशन पे वो अभी प्लेस है। तो मुझे जेड पे उसको 10 mm हाइट पे रखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल जेड पे 10 टाइप करके, मुझे mm टाइप नहीं करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी हमने यूनिट सेटअप में मिलीमीटर्स रखा है। तो कंप्यूटर अपने आप, 3D Max अपने आप समझ जाएगा कि वॉट एवर वी आर प्लेसिंग द वैल्यू दैट इज इन mm। तो 10 मुझे इंटर करके यहाँ पे जस्ट इंटर प्रेस करना है, तो देखो अपने आप यहाँ पे 10 mm आ गया। और आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली फ्रंट व्यू में जाते हैं हम एफ, तो ये जो ये लाइन से यहाँ तक वो 10 mm हाइट पे आ गया है। तो इस तरीके से आप, अगेन पी प्रेस करता हूँ फॉर द पर्सपेक्टिव, तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो आप ये शॉर्टकट लिख लेना, टी फॉर टॉप व्यू, एल फॉर लेफ्ट व्यू, पी फॉर पर्सपेक्टिव व्यू, एफ फॉर फ्रंट व्यू एंड बी फॉर बॉटम व्यू, ठीक है। एंड सेकेंड शॉर्टकट इज अल्ट प्लस W टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज व्यू पॉट। पैन, पैन के लिए आप लिख सकते हो मिडल माउस बटन, प्रेस एंड ड्रैग।
जूम इन जूम आउट अगेन मिडल माउस रोलर, अगर उसी टाइम पे आप अल्ट प्लस मिडल माउस बटन प्रेस करते हो तो 360 डिग्री, जैसे कि आपको दिखाया था कि अल्ट प्लस मैं अगर करता हूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं 360 डिग्री देख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इनिशियल ऑब्जेक्ट का आपको मूवमेंट एंड 3D Max का यूजर इंटरफेस कैसे यूज करना है ये लेक्चर में आपको होप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसका प्रैक्टिस कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के ये सब जो ऑप्शन है टूल्स है वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, होप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।